एक और कंटेस्टेंट इलिमिनेट हो चुका है, यानी अब आप में से किसी एक की बारी है। अगर आप लोग सही नहीं खेलेंगे, बेहतर नहीं खेलेंगे, तो आप में से ही कोई एक बाहर कर देगा आपको। जो अमाउंट आपने इस राउंड में बैंक किया है, टॉप प्राइज 1,25,000 का, और आपने जो अमाउंट बैंक किया वो है सिर्फ 25,000 रुपए। अब मुझे बताएं कि आप लोग कैसा खेल रहे हैं। नकीब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकालना चाहते हैं 25,000 रुपए। 8 कंटेस्टेंट्स ने मिलकर सिर्फ 25,000 रुपए जमा किया। शॉकिंग, जबकि पहले राउंड में 17,000 आपने कमा लिए थे, जिसका टॉप प्राइस 50,000 का था। यहाँ टॉप प्राइस बढ़ रहा है तो आपका अमाउंट कम होता चला जा रहा है। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इस टीम से कि वो ज़्यादा पैसे लेकर जाएगी, और ये आपके ही खिलाफ बात जाएगी, बिकॉज हम यहाँ मौजूद हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जितवाने के लिए। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 4? राउंड 4 का टॉप प्राइस 5,00,000 का इनाम। सारी गलतियां कवर हो जाएंगी अगर इस राउंड में अच्छा खेल लिया तो, लेकिन वक्त होगा सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड का। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1,00,000, सातवा 2,50,000 और आठवा 5,00,000 रुपए का इनाम। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 4? ये राउंड तैमूर आपसे शुरू करेंगे। इंसेक्ट की आंख को क्या कहते हैं? ओसिलाय। करेक्ट योगराज। मटर की मेजर डिजीज कौन सी होती है? पास। पाउडरी मिल्ड्यू। जीशान इस्ताना किस मुल्क के सदर की ऑफिशियल रेजिडेंस है? सिंगापुर। करेक्ट। रहमान मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? इटली। करेक्ट। अनुषा, रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? पास। अल्जीरिया। नकीब, इंडोनेशिया में कुल कितने जजीरे हैं? 17,000। करेक्ट। बिलावल, दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स कौन सा मुल्क बनाता है? रशिया। करेक्ट। सबसे बड़ा बहरी बेड़ा किस मुल्क के पास है? अमेरिका। करेक्ट। गयासुद्दीन सलजूकी ने सलजूकी सल्तनत कब संभाली? पास। 634 हिजरी, जीशान ऑटोमन्स के दौर में इस्लाम कितने कॉन्टिनेंट्स में फैला? पास। 3। रहमान येलो रिवर किस मुल्क में है? पास। चाइना। अनुषा, और खान गाजी कितनी उम्र में सुल्तान बने? 35 ईयर। करेक्ट। नकीब, ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? बाबर आजम। करेक्ट। बिलावल, इस्लाम का मुसाफिर कौन? इब्ने बतूता। करेक्ट। तैमूर, विटामिन B12 का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मिल्क। करेक्ट। युगराज, हमारे हाथों में ऑन एवरेज कितने जर्म्स होते हैं? 99। गलत जवाब 3,200। यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म, और वक्त होता है वोट आउट करने का। जैसे जैसे वक्त तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कितनी तेजी से ये राउंड स्टार्ट होकर खत्म तक पहुंच गया, जैसे कि इस राउंड में हुआ। इतने पास, इतने गलत जवाब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस राउंड से कौन कौन जाएगा बाहर। लेट्स सी, वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। रहमान, अनुषा, बिलावल और नकीब के ज्यादा बैंक करने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। योगराज, विशान और रहमान पास का इस्तेमाल करके चेन तोड़ते रहे। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। रहमान, आपसे शुरू करेंगे। मुझे बताएं कि आपने किसको वोट आउट किया है और क्यों? मैंने युवराज को किया है, क्योंकि चेन हमारी तो इन्होंने तोड़ी है, अमाउंट सेफ हो सकती थी हमारी। चेन तोड़ी है, अमाउंट सेफ हो सकती थी। युवराज, आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है इन्होंने आपको सही वोट आउट किया है? मैंने 3 सवाल नहीं दिए तो हा? 3 जवाब मैंने नहीं दिए तो शायद उनका सही है कहने का। 2 पास 1 गलत। एक गलत। ये राउंड आपके लिए अच्छा नहीं था। Yes. आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वैसे रहमान के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने भी 1 पास करा था। एक किया था। आपके 3 गलतियां। जी, मैं इस चीज को। जीशान, आपका वोट किसके खिलाफ है? युवराज के खिलाफ। क्यों? इन्होंने चेन तोड़ी और आंसर सही नहीं दिए। अनुषा, मेरा वोट रहमान के खिलाफ है कि बिकॉज इन्होंने भी पास किया था तो एक चेन टूटी। एक दफा पास किया उन्होंने, चेन टूटी। नकीब, मैम मेरा वोट भी रहमान के खिलाफ है, क्योंकि दोनों मरतबा इन्होंने पास किया था। ये दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए थे, इन्होंने दोनों मरतबा पास ही किया था। नकीब, रहमान से 2 सवाल किए गए, एक उन्होंने पास किया, एक का जवाब सही दिया, अब आप क्या कह रहे हैं? मैम इन्होंने 1 मरतबा पास करा था क्योंकि चेन टूटी थी यहाँ पे, इस वजह से। आप कह रहे हैं उन्होंने 2 दफा पास किया था?
मुझसे ज़्यादा पता है आपको कि उन्होंने दो दफ़ा पास नहीं किया, आपको मेरी टीम से ज़्यादा पता है कि उन्होंने दो दफ़ा पास नहीं किया, आप इस पे लगे हुए हैं कि उन्होंने दो दफ़ा पास किया। मैम इन्होंने दो मरतबा पास करा था, नहीं दो मरतबा नहीं, एक दफ़ा पास। भाई आपने दो मरतबा एक दफ़ा पास किया, मैंने एक दफ़ा आंसर दिया, पास करा इन्होंने। आप नींद में, आप घर जाकर सो जाओ, आप सो जाओ, आप सो जाओ भाई, मुझे लग रहा है आपका वक्त आगे सोने का, आप रात में सो नहीं। नकीब, इनसे दो सवाल किए गए, एक दफ़ा पास और एक दफ़ा इन्होंने सही जवाब दिया, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके बिलावल, आपका वोट किसके खिलाफ है? युवराज। क्यों? क्योंकि मैम हमारी चैन आ रही थी, उन्होंने चैन उन्होंने पास कर दिया उस टाइम जो तब जो बार 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 तोड़ी। तैमूर, मैम युगराज के खिलाफ है मेरा वोट, उसकी वजह यह है मैम इन्होंने तीन आंसर का मतलब आंसर नहीं किया, तीन क्वेश्चन का आंसर नहीं किया इन्होंने, और इनकी वजह से वो राउंड काफी बकवास गया हमारा। युगराज की वजह से राउंड बहुत बुरा गया, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ युगराज नहीं था इस राउंड में, बहुत से लोगों ने बहुत सी मिस्टेक्स की, बहुत मिस्टेक की, चार पास आए, इमेजिन करें। अनुषा, ये राउंड आपके लिए भी अच्छा नहीं था, पर एक गलती हुई, एक, बट कंपैरेटिवली दूसरे लोगों ने बहुत ही बुरा खेला। युगराज, तमाम वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि, और आप भी जानते हैं कि आपने इस राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक भी सवाल का जवाब सही नहीं दिया, जिसका मतलब ये है कि आप राउंड फाइव की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी को। थैंक यू। मैं राउंड फोर में एलिमिनेट हुआ क्योंकि मैंने तीन सवाल मैंने नहीं दिए, वो मेरी अनलकी एक वो था कि तीनों सवाल मेरे ऊपर से गए, तो इस बिहाफ पे मैं ना दे पाया ये तीनों सवाल, और टीम को टारगेट मिल गया। मैं हालांकि मैं पहले काफ़ी अच्छा मैंने खेला और डायरेक्टली इनको तीन मुझे टारगेट बन गया, मैं एक ही राउंड में कि मैंने तीन सवाल मैंने डायरेक्टली नहीं दिए, तो टीम ने मुझे बायकॉट कर दिया। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।